अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, होपिंग यू आर गुड एंड एंजॉयिंग योर हेल्दी लाइफ। आज जो हम इसका टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ वर्कशीट नंबर 10, और इसमें बेटा फ्रैक्शनल ऑपरेशंस की बात हम करते हैं। दिस इज ऑपरेशंस आर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। ओके जी, ये वर्कशीट है बेटा आपके पास, ये इंपॉर्टेंट भी वर्कशीट है, और ये थोड़ा सा जो जितनी हमने वर्कशीट्स डिस्कस किए हैं कुछ उनसे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ज़रा मुश्किल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब ये दीज आर फ्रैक्शंस और इनकी आपने वैल्यू निकालनी है, और इसमें डबल साइन भी हैं, प्लस भी है दरमियान में, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। ओके, और टेक दिस वर्कशीट एज अ टेस्ट, और फिर इसके मैं पार्ट्स को डिस्कस करता हूँ। और एवेल्यूएट ऑफ द फॉलोइंग, ये जो फ्रैक्शनल हमने बात की है, फ्रैक्शन दो टाइप की होती है, कॉमन फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। ओके, तो इसमें दोनों फ्रैक्शंस ये को जो बात आ रही है, एंड ईच क्वेश्चन ईच पार्ट कैरी 3 मार्क्स। तो ये जो वर्कशीट है ये 15 मार्क्स की है, ऐसे क्वेश्चन प्लीज़ कीजिएगा, और हम इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो इसको डिस्कस करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होंगे। इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखें, 3 1/8 है, तो इसको अगर आप मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी 8 3 24 + 1, दैट विल गिव यू 25/8। और जहाँ पर भी डबल साइन होंगे उसको आपने सिंगल साइन करना है, दैट विल गिव यू -1। अब देखिएगा, दिस वन इज़ द 8, दिस वन इज़ द 4। तो जहाँ पर फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस होगा तो वहाँ पे आपने सेम डिनोमिनेटर करने होते हैं, उनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम बनाना होता है, और उसके लिए कॉन्सेप्ट आपका बनता है जी एलसीएम का। ठीक है, अब देखें 8 और 4 का एलसीएम, दैट विल बी 8। तो हम इसको भी 8 है, तो इसको भी हमने 8 बनाना है, तो हमने क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और ऊपर भी। तो देखें, नीचे तो डिनोमिनेटर में दोनों में 8 आ जाएगा, और ऊपर बन जाएगा 25 - 2 - 1 = 2, तो दैट विल गिव यू 23/8। लेकिन देखिएगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कुछ बच्चे यहाँ तक छोड़ देते हैं, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको दोबारा डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने का जैसे कॉन्सेप्ट है वही बात के 23/8, सो दैट विल बी 8 2 16, और इसका जो रिमाइंडर बेटा बनेगा, दैट विल बी द 7। और इसको बाद बच्चे लिखते गलत हैं, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा, इस आपने तरतीब से आना है 2 × 7/8, यानी इस अरेंजमेंट के साथ आना है। और इसको जब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 16 16 + 7, दैट विल गिव यू 23, तो 23/8। इसको आप दोबारा रीचेक भी कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा, आंसर चेक कर लें आप इसको। नेक्स्ट पार्ट इज हियर। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जब मल्टीप्लाई होता है दरमियान में, तो वो कैंसिलेशन होती है, तो हमने इसको कैंसिल आउट किए है। कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास ये इसका वही क्वेश्चन आ गया, 8/5, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमने दोबारा डिवाइड कर दिए। ठीक है जी, तो कंपेयर कीजिएगा अपने आंसर्स को। नेक्स्ट वन इज सी पार्ट। देखिए, इसमें भी डिवीजन का साइन आ गया, -8/9, और जहाँ पे बेटा डिवाइड होता है उसके जो नेक्स्ट है होती है उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, तो ये दैट विल बी -3/2। ठीक है, यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं, तो जो डिवाइड होगा उसके जो राइट पे होगा उसका रेसिप्रोकल लेंगे। उसके बाद फिर वही बात कि जब मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिलेशन होगी, सो कैंसिल किससे आप कर सकते हैं, 2 1 = 2 4 = 3 1 + 3 3 = 3, तो दैट विल गिव यू 4/3। फिर वही आंसर के 1 1/3 इसको डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट इज एवेल्यूएट द फॉलोइंग, दैट इज द डेसिमल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन 0.81/0.3। इसके बजाय आपके पास जो कॉन्सेप्ट है यूँ भी आप कर सकते हैं कि 81 का डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल की जगह पे हम 1 लगाते हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतनी जीरोस लगाएंगे। सिमिलरली जब हम ये लिखते हैं 0.3, तो इसका जो होगा डेसिमल के बाद 3 है जो बेटा, और उसका जो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो 10 इसका ऊपर आ जाएगा। इस स्टेप को आप थोड़ा सा यूँ भी कर सकते हैं कि ये अगर यूँ करें कि 81/100 और डिवाइडेड बाई, ये क्योंकि डिवाइड हो रहा है, 3/10, यानी यूँ भी आप कर सकते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट विल बी 10/3। उसके बाद वही बात कि इसको सिंपली करेंगे आप, 3 1 = 3 27 = 10 से इसे कैंसिल करेंगे, 27/10, दैट विल गिव यू 2.7।
इसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप 27 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो दैट गिव यू 10 टूज आर 20, यहाँ बेटा 7 रिमाइंडर बचेगा, फिर यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे 0 एंड 10 सेवन आर दैट विल गिव यू 70। यानी यूं भी आप कर सकते हैं। वैसे टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स दीज आर फ्रेंडली नंबर्स, तो वो आसान से आप डिवाइड भी कर सकते हैं कि इसके बाद किसके बाद एक ज़ीरो है तो आपके पास एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है जी, कंपेयर प्लीज कीजिएगा। नेक्स्ट इज 4.35 डिवाइडेड बाय 1.5, इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आप इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो 100 आएगा और इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो 10 आएगा। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, वो भी आप स्टेप कर सकते हैं कि आपके पास 435 ओवर 100 और डिवाइडेड बाय 15 ओवर 10 जब आप डेसिमल रिमूव कर देंगे। ठीक है जी, सॉरी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, बाकी हमने इसको कैंसिल आउट किया हुआ है। तो 29 ओवर 10 बन रहा था आपके पास, इसको 29 कैसे है, इसको अगर आप 5 से कैंसिल कर दें, ठीक है जी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मज़ीद भी सिंपलीफाई कर लीजिएगा तो आपके पास ये आपका आंसर आ गया। ठीक, उम्मीद है कि आपने सारे क्वेश्चंस सही कर लिए होंगे। और ये वर्कशीट थोड़ी सी पिछली वर्कशीट से थोड़ी सी मुश्किल भी और इम्पोर्टेंट भी है, और इसके बेटा आपके पास 15 मार्क्स हैं, ईच कैरी क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। अपने जो मार्क्स हैं मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।